जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दिल्ली पुलिस भर्ती 2024 लेटेस्ट न्यूज आई हुई है, आपको हम कटिंग पढ़ के भी दिखाएंगे। और पहले हम आपको बता रहे हैं कि टोटल पोस्ट आपकी निकल के आ रही हैं 7547। अप्लाई डेट 1 सितंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा और चलेगा कब तक? लास्ट डेट 30 सितंबर। 30 सितंबर तक आपका ये फॉर्म चलेगा। अप्लाई डेट 1 अक्टूबर तक रहेगी। तो इसमें ये पहली बार करेक्शन कराओगे तो आपका 200 लगेगा और दूसरी बार कराओगे तो 500 रुपये लगेगा चार्ज। इससे अच्छा है कि आप सामने फॉर्म भराइए, तब गलती नहीं होगी, वरना गलती होगी तो आपका 200 या 500 रुपया फीस चार्ज लगेगा। उसके बाद फीस जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपया फीस देनी होगी। वहीं पास एससी एसटी और फीमेल की बात की जाए तो इसमें कोई भी फीस चार्ज नहीं है। क्वालिफिकेशन क्या लिया जा रहा है? 10वीं पास 12वीं पास होना अनिवार्य है। एज लिमिट है 18 से 25 वर्ष। अब हम बता रहे हैं जर्नल ईडब्ल्यूएस को 18 से 25 वर्ष है। और वही बात बात कर ली जाए ओबीसी 18 से 28 है, क्योंकि इनको 3 साल की छूट मिलती है। और एससी एसटी को और फीमेल को 18 से 30 वर्ष, इनको 5 साल की छूट मिलती है। वर्ग की बात कर ली जाए, फिर पोस्ट मेल और पोस्ट फीमेल की बात कर लीजिए कि कितनी कहाँ से कितने किसके खाते में वैकेंसी। वर्ग पोस्ट मेल पोस्ट फीमेल, अब जनरल के खाते में कितनी पोस्ट है मेल और फीमेल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जनरल 3053 पोस्ट है मेल की। वहीं फीमेल की बात कर ली जाए तो यहाँ 1502 पोस्टें हैं फीमेल की जर्नल में। फिर ईडब्ल्यूएस की हैं 542 मेल में, और फीमेल में बात कर ली जाए तो 142 हैं फीमेल में। फिर ओबीसी है मेल आ जाओ तो आपके 287 हैं। और फीमेल की बात कर ली जाए तो 268 पोस्टें हैं। वहीं एससी की बात कर ली जाए तो 872 पोस्टें हैं एससी की मेल में, और फीमेल में बात कर ली जाए एससी की तो 432 पोस्टें हैं फीमेल की। एसटी की 302 हैं और मेल की और फीमेल की हैं 150, 150 पोस्टें हैं। और ये रिटर्न होगा, ये पेपर होगा। और पेपर की बात कर ली जाए तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क के और 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगा। और वही के सिलेबस की बात कर ली जाए तो जीके जीएस 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये रहा। और वही बात कर ली जाए पुरुष की हाइट 170 होनी चाहिए। वही फीमेल की बात कर ली जाए तो 157 होनी चाहिए। और चेस्ट चेस्ट की बात की जाए तो 81 तो सिंपल होना चाहिए, तो फुलाने पे 85 हो जानी चाहिए। और फीमेल में चेस्ट की बात ही नहीं होती है। दौड़ की बात कर ली जाए, दौड़ 1600 मीटर 6 मिनट में मेल को दौड़ना होगा पुरुष को, और फीमेल को 16 मीटर 8 मिनट में दौड़ना होगा। लॉन्ग जंप यानी कि दूरी वाले 14 फीट पुरुष को लगानी होगी और वहीं पास 10 फीट फीमेल को।
लगानी होगी। हाई जंप यानी कि ऊपर वाली जंप, हाई जंप 3 फिट 9 इंच, 9 इंच मेल को और 3 फिट फीमेल को। डॉक्यूमेंट तो आपको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लगेगी। जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा न्यू, वही आधार कार्ड आपका लगेगा। ड्राइविंग लाइसेंस आप अभी बनवा लीजिए, और जो फॉर्म अप्लाई होगा उसके बाद पेपर हो जाने के बाद आपका जब मेडिकल होगा, मेडिकल में ये मांगेंगे, मेडिकल के बाद ये मांगेंगे, और हस्ताक्षर और फोटो ये लगेंगे डॉक्यूमेंट। सैलरी की बात कर ली जाए, 21,700 से शुरू होकर 38,600 सैलरी की बात कर ली जाए तो 21,700 से 38,600 ₹25 तक आपकी सैलरी रहेगी। आपकी पूरी डिटेल अब आपको हम नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाते हैं, आप सुनिएगा देखिएगा। ये नोटिफिकेशन है दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 का बेसब्री से इंतजार कर रहे, जो अब आखिरकार जारी हो गई है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की रिक्त कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी, और इसके लिए अधिकारी सूचना 1 सितंबर को आएगी, जो ये हमने बताया था 1 सितंबर 2024 को जारी किया जाएगा। इस भर्ती तक महिला तथा पुरुष उम्मीदवार के लिए 7500 प्लस हैं, प्लस पद खाली हैं। सभी 12वीं पास आवेदन इस भर्ती के लिए पात्र हैं, और वे अधिसूचना जारी होने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। हमारी उम्मीदों के अनुसार अधिसूचना सितंबर 2024 में जारी की जाएगी, और फिर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। एक बार जब आप फॉर्म भरे लेते हैं तो लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू करके आप एक अब दूसरा है तो आपका अभी सितंबर में जारी हो जाएगा। आप अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिएगा, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।